नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल मस्ती चैनल। यहाँ पर हम करते हैं सभी प्रकार के मोबाइल फोन की अनबॉक्सिंग। तो हमेशा की तरह आज भी करेंगे दो स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग एक साथ। आज हमारे पास पहला स्मार्टफोन है रियलमी C2, दूसरा स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी M10S। दोनों मोबाइल की अनबॉक्सिंग करेंगे एक साथ, नजर डालेंगे बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन, कैमरा और फेस अनलॉक पर। सबसे पहले बात करें दोनों मोबाइल के प्राइस की। रियलमी C2 में आते हैं तीन वेरियंट, जिसमें हमारे पास है 2GB और 32GB वाला वेरियंट, जिसमें आपको 2GB रैम, 32GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। रियर में आपको मिलता है 13+2 मेगापिक्सल के ड्यूल रियर कैमरा, फ्रंट सेल्फी कैमरा 5 मेगापिक्सल का है और बैटरी आपको इसमें मिलती है 4000 mAh की। कीमत है, ऑनलाइन प्राइस की बात करें तो मात्र 6000 रुपए की प्राइस में आपको यह मिल जाता है। वही बात करें सैमसंग गैलेक्सी M10S की तो यह 3GB वेरिएंट है, यह आपको मिलता है ऑनलाइन 9000 रुपए की प्राइस में। इसमें आपको मिलती है 3GB की रैम, 32GB का इंटरनल स्टोरेज, रियर में 13+5 मेगापिक्सल के ड्यूल रियर कैमरा, फ्रंट में सेल्फी कैमरा मिलता है 8 मेगापिक्सल का और 4000 mAh की आपको इसमें बैटरी दी गई है। हालांकि दोनों की प्राइस में 3000 का फर्क है। यहाँ पर Realme C2 आपको 6000 में मिलता है और Samsung Galaxy M10S आपको मिलता है 9000 रुपये में। तो बाकी देखते हैं दोनों मोबाइल में हमें क्या क्या दिया गया है, खास दोनों मोबाइल कितना देते हैं एक दूसरे को टक्कर। बने रहे मेरे साथ वीडियो में, चैनल पे आए हैं फर्स्ट टाइम, सब्सक्राइब का बटन है उसको जरूर दबा दीजिए, बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, वीडियो को कर दीजिए लाइक, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो बिना समय गवाए जल्दी से करते हैं अनबॉक्सिंग को स्टार्ट। ये है दोनों स्मार्टफोन जो आते हैं कुछ ऐसी पैकिंग के साथ। बात करते हैं Realme C2 की, तो इसमें जो तीसरा वेरिएंट आता है 3GB रैम, 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, वो भी लगभग 8000 रुपए की प्राइस रेंज में मिलता है, जो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन 2GB 32GB वेरिएंट भी बिल्कुल सेम है, सिर्फ रैम का ही फर्क है, ज्यादा कोई अंतर नहीं है। दोनों मोबाइल के बैक साइड हमें थोड़े बहुत हेडलाइन फीचर्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें मैं वीडियो में आपको आगे बताता रहूंगा। तो जल्दी से कर लेते हैं दोनों मोबाइल के बॉक्स को ओपन और सबसे पहले नजर डालते हैं कंटेंट में हमें क्या क्या मिलता है। तो दोनों मोबाइल के बॉक्स हमने कर दिए हैं ओपन। सबसे पहले Realme C2 पे नजर डालते हैं, एक मिनी बॉक्स सबसे ऊपर मिल जाता है, जिसको ओपन करने पे हमें इसके अंदर सेमी इजेक्टर पिन दी गई है, साथ ही क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल इसके अंदर दिए गए हैं। इसके बाद हमें स्मार्टफोन देखने को मिलता है, फिलहाल के लिए इसे हम साइड रख लेते हैं। अंदर देखें तो हमें एक चार्जर अडैप्टर, एक USB केबल दी गई है। चार्जर की जो आउटपुट रेटिंग हमें मिलती है 5V 2A का चार्जर 4000 mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए दिया गया है। USB केबल हमें इसमें नॉर्मल USB केबल दी गई है। आप नजर डालें Samsung Galaxy M10S में तो इसमें मिनी से भी मिनी बॉक्स इसमें दिया गया है सबसे ऊपर, जिसके अंदर हमें क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल, वारंटी कार्ड दिया गया है, इसे हम साइड रख लेते हैं। इसके बाद स्मार्टफोन है, इसे भी हम साइड रख लेते हैं। अंदर हमें एक 15 वाट का फास्ट चार्जर मिल जाता है, जिसकी आउटपुट रेटिंग देखें तो हमें इसमें 9 वोल्ट 1.67 एम्पीयर और 5 वोल्ट 2 एम्पीयर की हमें इसमें आउटपुट रेटिंग मिलती है 4000 mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए। USB केबल की बात करें तो हमें इसमें मिलती है टाइप सी USB केबल, आप देख सकते हैं इसमें हमें टाइप सी USB केबल दी गई है। सेम इजेक्टर पिन यहां पर हमें दी गई है। और आप नजर डालते हैं दोनों स्मार्टफोन पर, यह है दोनों स्मार्टफोन। फ्रंट लुक कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है दोनों स्मार्टफोन का। साइज में देखें तो Samsung Galaxy M10S थोड़ा बड़ा है Realme C2 के मुकाबले। तो यहाँ पर Realme C2 में हमें एक स्क्रैच गार्ड ऑलरेडी लगा हुआ मिल जाता है फोन को स्क्रैच से बचाने के लिए, जबकि Samsung Galaxy M10S में हमें कोई स्क्रैच गार्ड नहीं दिया गया है। बैक साइड का लुक देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डायमंड कट्स काफी अच्छे लग रहे हैं और यहाँ पर स्क्रैचेस पड़ने के काफी कम चांस हैं इस Realme C2 में। और Samsung Galaxy M10S में देखें तो बैक फिनिश कुछ ऐसा ग्लोसी हमें देखने को मिलता है। बात करें Realme C2 की तो राइट साइड में पावर ऑन की दी गई है, ऊपर की साइड कुछ नहीं है। लेफ्ट में हमें सिम ट्रे और वॉल्यूम की दी गई है, बॉटम में स्पीकर ग्रिल, चार्जिंग जैक, प्राइमरी माइक और 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया गया है। बैक साइड Realme की ब्रांडिंग के साथ हमें रियर में मिल जाते हैं ड्यूल कैमरा 13+2 मेगापिक्सल के विद LED फ्लैश लाइट। फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर मिसिंग है, कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर आपको Realme C2 में नहीं दिया गया है। फ्रंट में ड्रॉप नॉच के अंदर हमें 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। अब बात करें Samsung Galaxy M10S की तो इसमें हमें राइट साइड में पावर ऑन की, वॉल्यूम की एक साथ मिल जाते हैं, ऊपर की साइड सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए, लेफ्ट में आपको सिम ट्रे, बॉटम में हमें 3.5 mm का ऑडियो जैक, चार्जिंग जैक, प्राइमरी माइक और स्पीकर ग्रिल एक साथ सब मिल जाता है। बैक साइड Samsung की ब्रांडिंग, साथ ही इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। रियर में आपको ड्यूल कैमरा मिलते हैं 13+5 मेगापिक्सल के विद LED फ्लैश लाइट। फ्रंट में आपको ड्रॉप नॉच के अंदर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। दोनों मोबाइल की पावर को कर लेते हैं ऑन और देखते हैं हमें डिस्प्ले क्वालिटी कैसी देखने को मिलती है।
दोनों स्मार्टफोन के पावर को हमने कर दिया है ऑन, ब्राइटनेस फुल कर दी है, तो काफी अच्छी डिस्प्ले क्वालिटी हमें दोनों स्मार्टफोन से देखने को मिल जाती है। सैमसंग गैलेक्सी M10s में सुपर एमोलेड डिस्प्ले हमें दी गई है, तो दोनों में आपको काफी अच्छी डिस्प्ले क्वालिटी मिल जाती है। तो आइकन देख सकते हैं कुछ ऐसे दिए गए हैं, इंटरफेस हमें कुछ ऐसा मिलता है, और कई ऐप आपको दोनों मोबाइल में फ्री इंस्टॉल मिल जाती है। हालांकि आप इन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हैं, अपनी पसंद की ऐप अपने फोन में रख सकते हैं। अब बात करते हैं दोनों मोबाइल के डिस्प्ले साइज की, तो Realme C2 में आपको 6.1 इंच की IPS LCD दी गई है, एस्पेक्ट रेशो 19.5:9 का है, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1560 पिक्सल का आपको इसमें मिलता है, साथ ही आपको इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास V3 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। बात करते हैं मोबाइल के हाइट की, तो इसमें आपको मिलती है 154.3 मिलीमीटर की हाइट, थिकनेस है इसकी 8.5 मिलीमीटर, और वेट है इसका 166 ग्राम। अब बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M10s की, तो इसमें आपको मिलती है 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले, एस्पेक्ट रेशो 19.5:9 का दिया गया है, स्क्रीन रेजोल्यूशन बिल्कुल सेम 720x1560 पिक्सल का मिलता है। बाकी मोबाइल की हाइट की बात करें तो 158.4 मिलीमीटर इसकी हाइट है और 7.8 मिलीमीटर इसकी थिकनेस, वेट इसका 169 ग्राम है। आप नजर डालते हैं दोनों मोबाइल की सेटिंग में, सबसे पहले Realme C2 की हम सेटिंग में चले जाते हैं। सेटिंग में अबाउट फोन सेक्शन दिया गया है, यहाँ पर डिवाइस नेम मॉडल नेम दिया गया है, कलर OS वर्जन हमें 6.0 मिलता है, एंड्रॉइड वर्जन 9.5 दिया गया है, प्रोसेसर हमें इसमें 2 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है, चिपसेट MediaTek Helio P22 का आपको इसमें दिया गया है, 2 GB की रैम, 32 GB का इंटरनल स्टोरेज, जिसमें से लगभग 21.5 GB अवेलेबल है यूज करने के लिए, बाकी आप एक्सपेंडेबल मेमोरी को 256 GB तक इसमें बढ़ा सकते हैं। सिक्योरिटी पैच लेवल हमें इसमें 5 मई 2019 का मिलता है। वहीं नजर डाले सैमसंग गैलेक्सी M10 की सेटिंग में, तो यहाँ पर हम सेटिंग में चले जाते हैं, स्क्रॉल डाउन करने पे अबाउट फोन सेक्शन दिया गया है, यहाँ पर हमें IMEI नंबर दोनों स्लॉट के मिल जाते हैं। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाएं तो यहाँ पर हमें UI वर्जन 1.1 का दिया गया है, एंड्रॉइड वर्जन 9.5 मिल जाता है, और इसमें हमें सिक्योरिटी पैच लेवल 1 अगस्त 2019 का दिया गया है, 3 GB रैम, 32 GB का इंटरनल स्टोरेज है, और इसमें भी आप एक्सपेंडेबल मेमोरी को 256 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी कि बढ़ा सकते हैं। अब नजर डालते हैं दोनों मोबाइल के रियर कैमरा पर, तो दोनों मोबाइल के रियर कैमरा हमने कर दिए हैं ऑन, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कलर का थोड़ा बहुत डिफरेंट हमें दोनों मोबाइल के कैमरा से देखने को मिल रहा है, लेकिन कैमरा क्वालिटी दोनों की काफी अच्छी हमें देखने को मिलती है। दोनों से एक एक पिक्चर हम कैप्चर कर लेते हैं नॉर्मल मोड में, तो ये हमने यहाँ पर पिक्चर कर ली है कैप्चर, तो ये देखिए कुछ ऐसी पिक्चर क्वालिटी हमें दोनों मोबाइल के कैमरा से देखने को मिलती है। जूम करके भी देख लेते हैं तो काफी अच्छा जूम है, कलर यहाँ पर अलग अलग हमें देखने को मिल रहे हैं दोनों मोबाइल के कैमरा से। बाकी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में किसका कैमरा आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर रियर कैमरा से कुछ ऐसी पिक्चर क्वालिटी हमें देखने को मिलती है। फ्रंट कैमरा कर लेते हैं दोनों मोबाइल का ऑन, तो ये हमने कर दिया है सेल्फी कैमरा को ऑन, तो यहाँ पर सैमसंग का कैमरा काफी कमाल का हमें देखने को मिल रहा है, 8 MP का, दोनों से एक एक सेल्फी हम कैप्चर कर लेते हैं। ये है दोनों मोबाइल से ली गई सेल्फी, तो काफी कमाल की सेल्फी हमें दोनों मोबाइल के कैमरा से देखने को मिल जाती है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइए किसका कैमरा आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है। और अब नजर डालते हैं दोनों मोबाइल के फेस अनलॉक पर, और देखते हैं हमें फेस अनलॉक से कैसी स्पीड देखने को मिलती है। दोनों डिवाइस में हमने लॉक सेट कर दिया है, दोनों डिवाइस लॉक है। फिंगर्स मैं सारी आगे कर लेता हूं, मोबाइल को कर लेते हैं फेस के आगे, और करते हैं इसका स्टार्ट, 1 2 3 स्टार्ट। Realme C2 थोड़ा सा फास्ट Samsung Galaxy M10 के मुकाबले, अभी बिल्कुल सेम। दोनों के साइड भी चेंज कर लेते हैं, यहां पर Realme C2 काफी फास्ट वर्क कर रहा है Samsung Galaxy M10s के मुकाबले। तो यहां पर Realme C2 का फेस अनलॉक फास्ट है Samsung Galaxy M10s से। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइए दोनों मोबाइल में से आपको कौन सा मोबाइल अच्छा लगा। अगर आपने परचेस कर लिया है तो मोबाइल के बारे में कोई भी जानकारी हो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे हमारे अन्य व्यूअर्स को भी मदद मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।